तो आपको हम खबर दिखा रहे हैं मंडी से, जहां पे बूढ़ा अमरनाथ जो यात्रा है ये 17 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है। इस सिलसिला में जिला प्रख्याति कमिश्नर पोंच ने आज मंडी में सिविल सोसाइटी के साथ, ऑफिसर्स के साथ और एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग का खास मकसद था कि यात्रा जो स्टार्ट होगी ताकि एक बेहतर अंदाज से हो और तमाम मजाहिब के जो लोग हैं वो मिलके इस बेहतर अंदाज से सर अंजाम दें। वहीं इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने तमाम तर इंतजाम का भी जायजा लिया और वहां जहां पे जो यात्रा ऑफिसर और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं उनका भी उन्होंने जायजा लिया। पेश है पस मंजर के लिए मंडी से रियाज मलिक की ये रिपोर्ट। लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से, मंडी के लोगों की प्यार की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के लोग मंडी को जानते हैं, मंडी को पहचानते हैं और आपके एक एक आदमी, एक एक शख्स को वो अपनी इन प्यार भरी नजरों से देखते हैं। जो है वो अच्छे तरीके से साला साल की तरह गुजरे। इंशाल्लाह यहाँ पे जो है 99% जो है डोमिनेटेड मुस्लिम एरिया है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम जो है वो हर साल मतलब दूसरी कम्युनिटियों के साथ मिलके यात्रा को हर साल अच्छे तरीके से निभाते हैं। यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस साल भी जैसे छड़ी मुबारक है उसी दिन हमारा जुम्मा मुबारक है, उसी दिन छड़ी मुबारक को भी आना है, लेकिन हम ये अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन ये मतलब बड़े अच्छे तरीके से दोनों चीजें मतलब जुम्मा मुबारक भी हो और यात्रा को भी और छड़ी मुबारक को भी हम रिसीव करें। ये बड़ा अच्छा त्यौहार है और हर साल की तरह इस साल भी आप देखेंगे कि गेमा गेमी है पूरे इस इलाके में। ये हमारा एक साझा काज है जिसमें सारी की सारी कम्युनिटी मिलके इस चीज को निभाते हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है और इस साल हमारी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले हमारा 15 अगस्त का भी त्यौहार है, उसके बाद बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा हमारी 17 को स्टार्ट होगी और वो 18 को यहाँ पे पहुंचेगी। उसके बाद हमारा ईद का भी त्यौहार है और उसके बाद हमारी जो छड़ी मुबारक है वो 24 को आएगी और 27 को यहाँ से रिटर्न होगी। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मंडी के लोग जिस तरह से हर साल पूरी जोश खरोश के साथ सारे त्यौहार मनाते हैं, इस बार भी वो पूरे जोश खरोश के साथ सारे त्यौहार मनाएंगे और हमारी जो बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा है वो लास्ट ईयर से भी ज्यादा खुशी के साथ मनाई जाएगी और वो लास्ट ईयर से भी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। और इसके लिए जो भी इंतजाम सिक्योरिटी के हैं वो लास्ट ईयर से भी ज्यादा हम जो है बेहतर तरीके से करने की इंश्योर करेंगे। जो भी हमारा या फिर हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इंतजाम चाहिए हमको लास्ट ईयर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और मेरी मंडी की आवाम से गुजारिश है कि जिस तरीके से वो हर साल पूरे जो है जोश व खरोश के साथ, पूरे जो है प्यार के साथ यात्रियों का स्वागत करते रहे हैं, यात्रियों को जो है यहाँ पे एक कंफर्टेबल माहौल देते रहे हैं, वो इस बार भी उसी टाइप से जो है यात्रियों को कंफर्टेबल माहौल भी देंगे। उसके बाद अपने पूरे जोश व खरोश के साथ ईद भी मनाएंगे और उसके बाद फिर से पूरे जोश व खरोश के साथ छड़ी मुबारक का भी जो है स्वागत करेंगे और उसको भी जो है पूरा प्रोग्राम जो है ये जोश व खरोश के साथ और पूरे जो है शांति के साथ पूरा जो है हमारा प्रोग्राम ये सक्सेसफुल होगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो है महेंडर से। महेंडर में यूथ ने एक जबरदस्त कैंडल मार्च निकाला और इस कैंडल मार्च का खास मकसद था कि मुर्फात शाह के साथ इंसाफ किया जाए। मुर्फात शाह केस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस सिलसिला में इन यूथ ने यह स्ट्रेस दिया कि इसकी फेयर और क्लियर इंक्वायरी होनी चाहिए। पेश है महेंडर से पस मंजर के लिए तारिक खान। आपके दिलों में वाकई में जिस नौजवान को बीच सरे जिस तरह गोलियों का निशाना बनाया गया उसके लिए, उसकी शहादत के लिए ये सबूत होगा कि वाकई में हृदय पीर पंजाल के नौजवानों के अंदर उसके लिए दर्द है, उसके लिए जज्बा है। नारा तकबीर। मैं कहता हूँ मेंढर की गलियां गूंजनी चाहिए, ये इस बात का सबूत होगा, ये आने वाले वक्त को ललकार रहा है। ये मेजर का हर नौजवान कि अगर इस नौजवान के साथ इंसाफ ना हुआ तो इंशाल्लाह मेजर का हर नौजवान सड़कों पे उतरेगा और उसकी आवाज पूरे ऐसे जम्मू कश्मीर में गूंजेगी। नारा तकबीर। हम क्या चाहते हैं? आवाज दो, आवाज दो। वहीं मुर्फात शाह केस को लेकर मंडी में भी लोगों ने काफी रिजेंटमेंट शो किया और उन्होंने कहा कि इस केस की जल्द अज जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए और इस वाके के हम बिल्कुल कड़े अल्फाजों में मुजम्मत करते हैं और हम इस वाके की तहकीकात चाहते हैं। जो सीधी बात है, हम इस वाके की तहकीकात। उनका कत्ल हुआ है, एक साजिश है। मैं कंडम करता हूँ इस बात को। मैं
ہائی سطح پہ جو ہے ان سے گزارش کرتا جاتا ہوں کہ ایک نوجوان کا قتل ہوا ہے, اس ماں پہ کیا بیتی ہوگی, اس بہن کو جو رو رو کے فریاد کر رہی تھی کہ میرے بھائی کا قاتل اور میرے بھائی کا جرم کیا ہے, میرے بھائی کو کیوں مارا گیا, اس ماں کو پوچھے گا, اس پریوار کو پوچھے گا جس کا بیٹا جو ہے مارا گیا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, پس منظر نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.